जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था, स्टेट को डाउनग्रेड किया गया था, दो हिस्सों में बांटा था, यूटी बनाया था, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा किया गया। लेकिन सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बताया है कि उसको हम रेस्टोर करेंगे, स्टेटहुड दोबारा देंगे। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि वो बिल लाएं। अब तो इलेक्शन भी हो गए, पंचायत के इलेक्शन हो गए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो गए, अब कोई बहाना नहीं है। वहां स्थिति बहुत भयंकर है। सरकार जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट, जो बॉर्डर स्टेट है, वहां सरकार का होना, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफिसर्स एक बॉर्डर स्टेट और एक सेंसिटिव स्टेट, जो पाकिस्तान के साथ मिली हो, दूसरी तरफ चाइना के साथ मिली हो, और इस तरह का भयंकर टेंशन बॉर्डर पे हो, तो वहां आपको पावर लोकल, जो जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो किसी